सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं दुर्गा सप्स्ती में देवी माता के अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करने के साथ यह दर्शाया गया है कि वह जगदम्बा जगजननी महापरमेश्वरी परमेश्वरी सभी प्राणियों के अंदर कहीं शक्ति के रूप में कहीं मातृ के रूप में कहीं बुद्धि के रूप में कहीं लक्ष्मी के रूप में अलग अलग रूपों में व्यक्ति के व्यक्तित्व में विराजमान है और ये क्रम एक बहुत ही अद्भुत है कि बुद्धि तब ही सुबुद्धि बनी रहती है जब व्यक्ति निद्रा को शांति को मन और मस्तिष्क को शांत रखकर चलता है तो बुद्धि सुबुद्धि रहती है इस क्रम में आगे चलते चलते हम अब वहाँ पहुँचे हैं जहाँ कहा गया है या देवी सर्वभूतेश शांतिरूपेण संस्थिता जो देवी अपनी दिव्यता शांति के रूप में प्राणी मात्र में मनुष्य मात्र में स्थापित किए हुए हैं उस शांति ऊर्जा के लिए उस भगवती को बारंबार प्रणाम है ये शांति ऊर्जा क्या है समझ के देखिए कि पूरे दिन में जहाँ भी हम दौड़ते भागते हैं और हमें विश्राम की ज़रूरत पड़ती है आराम चाहिए थोड़ा सा थोड़ा चैन चाहिए वह शांति चाहिए और अगर आठ घंटे काम करते हैं हम लोग तो ये बात ध्यान रखिए कि आठ घंटे फिर सोना भी पड़ेगा दस घंटे काम किया है तो दस घंटे सोइए भी सही अगर बौद्धिक कर्म ज़्यादा करते हैं तो विश्राम बहुत चाहिए क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी टूट फूट होती है बॉडी सेल्स की तो आपके न्यूरॉन्स जितने भी मस्तिष्क के सेल्स हैं उन सबकी रिपेयरिंग के लिए मस्तिष्क का शांत होना बहुत आवश्यक है विश्व शक्ति जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे आप कॉस्मिक एनर्जी कहेंगे वह नींद में आपके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से होती हुई प्रवेश करती है और आपके अंदर जो टूट फूट हुई है उस सब की रिपेयरिंग उस समय शुरू हो जाती है और उसी का परिणाम होता है कि आप जितनी देर सोए रहते हैं उतनी देर आपके शरीर की रिपेयरिंग चलती रहती है आपका कॉन्शस माइंड सो जाता है सब कॉन्शस माइंड अपना काम करता रहता है आपको नया बनाकर जगाया जाता है मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि एक गहरी नींद क्वालिटी वाली नींद सब किसी को प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि उसी से आपके अंदर ताजगी आती है तो ये बात ध्यान रखिए आपकी जिंदगी की ताजगी के लिए शांति जरूरी है शांति के लिए आवश्यक है मस्तिष्क के विचारों की जो श्रृंखला है उसे आप जितना शांत करते चले जाएं, उसे आप जितना स्लो कर दें जब आप बेचैन होते हैं तो मस्तिष्क में विचारों को आप इस तरह देखते हैं जैसे आसमान में बहुत तेज बादल चल रहे हों आंधियाँ चल रही हों बिजलियाँ कड़क रही हों जैसे आप मस्तिष्क की फ्रिक्वेंसी उसके अंदर उठती हुई वेव्ज वो समस्त तरंगें जैसे शांत करते जाते हैं तो मस्तिष्क उस समय एक अल्फ़ा लेवल में अल्फ़ा स्टेट में आ जाता है और जैसे ही अल्फा स्टेट में आता है उस समय आप थोड़े शांत थोड़ी ताजगी अनुभव करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जब ध्यान में बैठता है तो शांति उसके अंदर आनी शुरू होती है और उसका मन टिकने लगता है मस्तिष्क जब अशांत रहता है विचारों के अंदर तरंगे बहुत तेज़ी से काम कर रही होते हैं तब ना वो समझने को समझता है कोई समझाए तो समझता नहीं ध्यान में नहीं जा पाता अगर वो पूजा करने बैठेगा तो बहुत विचार मस्तिष्क में चलेंगे मस्तिष्क को शांत रखना जरूरी है तो शांति में ताजगी है शांति में मुस्कुराहट है शांत रहने से तरंग तरनुंग है शांत रहने से अच्छी योजनाएं बनती हैं शांत होकर के ही आप सीख सकते हैं जान सकते हैं समझ सकते हैं समझा सकते हैं आप काम की योजनाएं शांति के अवस्था में बनाकर सही निर्णय लेकर सफल हो सकते हो इसलिए जीवन में अगर सुख और सौभाग्य चाहिए तो उससे ज़्यादा शांति चाहिए तो शांति में शक्ति है और अपने यहाँ समस्त पाठ पूजा के साथ साथ शांति पाठ करने की भी परंपरा है और उस शांति पाठ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वे शांति के बहुत सारे मंत्र हैं उनमें एक प्रसिद्ध मंत्र है जिसमें ये बोला जाता है देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषदय शांति देवलोक से जहाँ सूरज है वहाँ से आती हुई किरणें मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए शांति दे रही हैं अंतरिक्ष से आती हुई तरंगे भी शांति दे रहे हैं ये धरती भी आदमी को शांति और संतुलन बना करके जीवन दे रही है और शांति पानी से भी आ रही है पानी पीने के बाद आप तृप्त होते हैं ना धोने के बाद आप शांत होते हैं और कहते हैं औषधियों और वनस्पतियों से शांति आती है भोजन ये वनस्पतियां मसाले वसाले जितने भी हैं वो ओष दिया दवाइयाँ जितनी भी हैं सिर दर्द हुआ दवाई खाई शांति आई और इसको बताने के बाद में जो एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है विश्व देवा शांति सारे देवताओं से जो मिलती है वो क्या शांति भगवान से ब्रह्म शांति भगवान से क्या मिलता है शांति और एक शब्द और कमाल का ये तो बहुत ही अद्भुत है शांति रेव शांति शांति ही एव शांति शांति कहने से भी शांति मिलती है ये इस मंत्र का बहुत कमाल का संदेश है कि तुम अशांत हो बस शांति कहना शुरू कर दो खुद को बोलो शांत 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 सा शांति माँ ये दी वो शांति मुझे प्राप्त हो और फिर कहते हैं तीन बार शांति शांति बोलो शांति 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 मन में वचन में कर्म में शांति आ जाए इसलिए तीन बार शांति शांति बोलते हैं और कमल तो ये है कि ये शांति शांति कहते कहते आप भगवान के निकट हो जाते हैं कहते हैं ना जहाँ शांत वातावरण हो वहीं भगवान को पुकारा जा सकता है जिस घर में शांति है वहाँ प्रेम का वास होगा जिस उद्योग वाले स्थान में शांति है वहाँ समृद्धि आएगी जिन कर्मियों के अंदर शांति होती है उनका काम बहुत अच्छे से चलता है जो बच्चे स्कूल में शांति रख कर के पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई अच्छी होती है और जहाँ अशांति और लाल झंडा खड़ा हो जाए जिंदाबाद मुर्दाबाद फरीदाबाद मुरादाबाद सब शुरू हो जाए तो फिर वहाँ विकास नहीं होता वहाँ विनाश शुरू हो जाता है इसलिए शांति को शक्ति माना गया या देवी सर्वभूतेशु श्रद्धा रूपेण संस्थित अगली शक्ति मानी गई श्रद्धा यही वो धागा है जो भगवान को भी बांध लेता है इसी श्रद्धा के धागे से आप देवताओं की कृपा पाते हैं भगवान की कृपा पाते हैं तो कहा गया जो शक्ति संसार में शांति बनकर सब के अंदर आती है उसे जगाए रखो जो श्रद्धा बनकर आपको भगवान से जोड़ती है वो श्रद्धा की शक्ति को जगाए रखो आगे फिर कहा या देवी सर्वभूतिशु कांति रूपेण संस्थिता वही तो कांति बनकर चमक बनकर नूर बनकर चेहरे पर आती है उसे जगाए रखो तो यहीं तक हम लोग आज विचार कर पाए क्योंकि समय समाप्त हो गया कल फिर अगले बिंदु पर विचार करेंगे ओम शांति 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 ओम